सो गाइज़, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता है उसको क्या क्या सज़ा मिलेगी आखिरत में, ये आपको पता होना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर आप नमाज पढ़ते हो तो कंग्रेचुलेशंस, 5 वक्त की नमाज अगर आप नहीं छोड़ते हो तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि वो 5 वक्त की नमाज आखिरत में आपके बहुत काम आने वाली है। बिकॉज वो एक अमाल है आपके बैंक में, एक तरह से वो अमाल जमा हो रहे हैं डेली नमाज जो पढ़ते हो आप, एंड वो आपको बचाएगी हेल फायर से ऑफ कोर्स इंशाल्लाह। एंड जो बंदे नमाज नहीं पढ़ते उनके साथ क्या हश्र होगा, उनका क्या होगा, एंड वो हम जानेंगे अभी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم اور آپ دیکھ رہے ہیں روہیل وائس چینل بے نمازی کا انجام فویل المصلین الذین هم عن صلاتهم ساؤن پارا نمبر 30 سورۃ الماعون آیت نمبر 5 اور 6۔ ان آیت کا ترجمہ ہے और उन नमाजियों के लिए खराबी है जो अपनी नमाज से भूले बैठे हैं। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह फरमाते हैं कि जहन्नम में वेल नाम ये खौफनाक वादी है जिसकी गर्मी से खुद जहन्नम भी पनाह मांगता है, और ये उस शख्स का ठिकाना है जो नमाज को वक्त गुजार कर पढ़ता है, यानी देर से पढ़ता है। जो शख्स नमाज के मामले में सुस्ती करेगा अल्लाह ताला उसे 15 सजाएं देगा, उनमें से 6 दुनिया में, 3 मौत के वक्त, 3 कब्र में और 3 कब्र से निकलने के बाद होंगी। दुनिया की 6 सजाएं अल्लाह ताला उसकी उम्र से बरकत खत्म कर देगा, अल्लाह ताला उसके चेहरे से नेक लोगों की अलामत मिटा देगा, अल्लाह ताला उसके किसी अमल पर अजर व सवाब नहीं देगा, उसकी कोई दुआहक ताला आसमान तक बुलंद ना होने देगा। दुनिया में मखलूक उससे नफरत करेगी, नेक लोगों की दुआ में उसका कोई हिस्सा ना होगा। मौत के वक्त अल्लाह ताला उस पर ये 3 सजाएं मुसल्लत करेगा। पहली सजा यह है कि वह जलील होकर मरेगा, दूसरी सजा कि भूखा मरेगा, तीसरी सजा मरते वक्त इतनी सख्त प्यास लगेगी कि अगर सारे दरियाओं का पानी भी उसे पिला दिया जाए तो भी उसकी प्यास ना बुझेगी। कब्र में अल्लाह ताला उस पर 3 सजाएं मुसल्लत करेगा, अल्लाह ताला उस पर उसकी कब्र तंग कर देगा और कब्र उसे इस तरह दबाएगी कि उसकी पसलियां टूट फूट कर एक दूसरे में पेवस्त हो जाएंगी। उसकी कब्र में आग भड़का दी जाएगी जिसके अंगारों में वो दिन रात उलट पुलट होता रहेगा। उस पर एक अजदहा मसलत कर दिया जाएगा जिसका नाम अल शुजाल अकरा यानी गंजा सांप है। उसकी आंखें आग की, नाखून लोहे के होंगे, हर नाखून की लंबाई एक दिन की मुसाफत के बराबर होगी। वो गरजदार बिजली की आवाज में कहेगा कि मैं अल शुजाल अकरा हूं, मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया है कि मैं तुझे फजर की नमाज जाया करने के जुर्म में सुबह से लेकर जोहर तक, और जोहर की नमाज कजा करने से जोहर से लेकर असर तक, और असर की नमाज कजा करने से असर से लेकर मगरिब तक, और मगरिब की नमाज छोड़ने पर मगरिब से लेकर इशा तक, और इशा की नमाज कजा करने पर इशा से लेकर सुबह तक डसता रहूंगा। जब भी वो जरब लगाएगा तो मुर्दा 70 हाथ जमीन में धंस जाएगा, तो अपने नाखून जमीन में दाखिल करके उसको निकालेगा, और ये अजाब उस पर कयामत तक मुसल्लत रहेगा। हम अजाब कब्र से अल्लाह की पनाह तलब करते हैं। कयामत के दिन अल्लाह ताला उसे ये 3 सजाएं देगा। अल्लाह ताला उस पर एक फरिश्ता मुसल्लत करेगा जो उसे मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम की तरफ ले जाएगा। हिसाब के वक्त अल्लाह उसकी तरफ नाराजगी वाली नजर से देखेगा जिससे उसके चेहरे का गोश्त झड़ जाएगा। अल्लाह ताला उससे हिसाब सख्ती से लेगा जिससे ज्यादा सख्त तवील कोई अजाब ना होगा, और अल्लाह ताला उसको दोजख में ले जाने का हुक्म सादर फरमाएगा, और जहन्नम बहुत बुरा ठिकाना है। अल्लाह पाक हम सबको समझने और नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दिन की ताजा तरीन अपडेट्स के लिए
चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को दबाएं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ये था हमारा रिएक्शन ऑन नमाज छोड़ने की सज़ा, एंड उन्होंने बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सज़ाएं बताई हैं, एंड मुझे इस सज़ाओं के बारे में कुछ भी इल्म नहीं था पहले, एंड बहुत ही ज़्यादा उन्होंने डराने, ऑब्वियसली डरना तो चाहिए इंसान को, जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता है या फिर नमाज टाइम पे नहीं पढ़ता है, उन्होंने बताया। अभी जैसे उन्होंने बताया कि 6 इस दुनियावी ज़िंदगी में सज़ाएं मिलेंगी जो बंदा नमाज छोड़ेगा, और उसके बाद 3 सज़ा मिलेगी जब वो मर जाएगा मरते टाइम, मरने से पहले, एंड फिर 3 सज़ा मिलेगी जब वो कब्र में होगा, फिर उसके बाद 3 सज़ा मिलेगी जब वो जहन्नुम में जाएगा आखिरत के टाइम पे। एंड ये सज़ाएं जो उन्होंने बयान की हैं ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सज़ाएं हैं। मैं आप सबसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जो इन्होंने सज़ाएं बयान की हैं वो क्या सही सज़ाएं हैं, या उन्होंने सही हदीस से ये हवाले से उन्होंने बयान की हैं या नहीं की हैं, मुझे ये चीज़ की आप सबसे ऑथेंटिसिटी चाहिए। अगर आप हमें इस चीज़ के बारे में बता सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो गाइस थैंक यू सो मच।